नागिन 5 के बाद एक्टर शरद मल्होत्रा के नए शो का उनके फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शरद अपने नए शो विद्रोही को लेकर काफी वक्त से छाए हुए हैं, लेकिन इस शो में उनका रूप और अंदाज कैसा होगा इस बात से फैंस अब तक अनजान थे। लेकिन अब फाइनली शरद का उनके नए शो विद्रोही से सामने आ गया है पहला लुक, जिसे देखकर आपको शरद के नागिन शो की याद आ जाएगी। जी हाँ, देखिए विद्रोही के सेट से सामने आया शरद का ये ऑथेंटिक लुक। लंबे बाल, माथे पर चंदन का तिलक, सफेद धोती और पहलवानों जैसा बुलंद अंदाज। शरद की ये तस्वीर अखाड़े में किसी कुश्ती जैसी नजर आ रही है। वहीं इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें शरद भगवान जगन्नाथ की पूजा में मग्न है। कंधे पर लंबा लाल रंग का दुपट्टा और हल्के घुंघराले बाल। वहीं इस दूसरी तस्वीर में शरद की बैक नजर आ रही है। ये पहली बार है जब शरद ने किसी शो के लिए ऐसा रूप अपनाया हो। इन तस्वीरों में आपको पीछे बड़े बड़े हरे पर्दे भी नजर आ रहे होंगे, जिससे ये भी साफ हो चुका है कि नागिन की तरह इस शो में भी VFX का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो शरद का ये नया लुक स्टाइल और अंदाज में उनके नागिन 5 के लुक वीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके इस ऑथेंटिक लुक में आपको वैसा ही जोश नजर आएगा जैसा कि नागिन 5 में वीर के अंदाज में देखने को मिला था। शरद की विद्रोही से सामने आई इन तस्वीरों को देखने के बाद जाहिर तौर पर आपको भी उनके शो नागिन की याद आ गई होगी। जिस तरह से नागिन 5 में शरद का किरदार काफी दमदार था, ठीक उसी तरह से विद्रोही में भी उनका किरदार काफी अलग और दमदार है, जो इन तस्वीरों से साफ जाहिर भी हो रहा है। साफ है कि शरद के शो विद्रोही की शूटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही शो का पहला प्रोमो भी जनता के सामने होगा। वेल, शरद के इस लुक को देखने के बाद जाहिर तौर पर उनके फैंस काफी खुश हो रहे होंगे और एक्साइटेड भी। वेल, बात की जाए शरद के इस नए शो विद्रोही की, तो नागिन के बाद शरद एक बार फिर से अलग किरदार और अलग कहानी के साथ सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोही शो की कहानी साल 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ओडिशा के विद्रोह के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें शरद काफी दमदार किरदार में नजर आएंगे। इस शो में शरद के अलावा एक्ट्रेस सुलगना पिनिगरी और शिल्पा तालुसकार भी नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये शो जल्द ही स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जाएगा। फिल्म नागिन के बाद एक बार फिर से शरद नए किरदार और अलग कहानी के साथ ऑडियंस के सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से शरद की धांसू झलक सामने आई है उससे साफ है कि नागिन के वीर की तरह उनका ये नया अंदाज भी काफी जबरदस्त हिट होगा।